दोस्तों देखिए, जो ड्रीम इलेवन या माई सर्कल इलेवन के जो गैम्बलिंग एप्स हैं, जिसे हम फैंटेसी क्रिकेट कहते हैं, ये जवानों के लिए क्या बुरा असर डालने वाला है उनके ऊपर। सबसे पहले जो कश्मीर के अभी मुतअद्दिद जवान, यूथ, इवन मिडल एज लोग भी इस फैंटेसी के चक्कर में पड़ गए हैं। वो अपने मेन गोल्स से, वो अपने लाइफ के ट्रैक से हट कर इसी के पीछे लग जाएंगे, जबकि वो ये भूल जाएंगे ये महज एक ट्रेंड है। एंड एनी ट्रेंड डाइज डाउन सूनर और लेटर, वो तो जाना ही जाना है। लेकिन वो अपने गोल से हट जाएंगे, वो अपने सक्सेस पाथ से हट जाएंगे, वो अपने ऑब्जेक्टिव से हट जाएंगे, और उससे भी बदतर ये कि जो ये हार्ड अर्न मनी, जो मेहनत से कमाए हुए पैसे को इस तरीके से हर शाम जाया करना, और उस जाया करने की जो लत है उसमें डालकर, उसको अपनी आदत बनाकर, उसको अपना लाइफस्टाइल बनाकर रोज वो गवा रहे हैं, वो कमा नहीं रहे हैं। और दोस्तों, जो सक्सेसफुल लाइफ है उसमें सिर्फ ये नहीं कि हम कभी एक सट्टा जीत जाएं, कभी एक बेट में जीत जाएं। लाइफ एक कंटिन्यूअस और एक स्टेबल प्रोसेस होनी चाहिए। आप बस अपने गोल्स को फॉलो कीजिए, और इन ये जो फितने हैं, ड्रीम इलेवन, गैम्बलिंग एप्स, सट्टेबाजी, माई सर्कल इलेवन, फैंटेसी क्रिकेट, इसके पीछे पड़कर आप अपने मकसद से दूर हो रहे हैं, ना कि आप अपने मकसद के करीब आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये झोल कितना बड़ा है, ये ट्रैप कितना बड़ा है, वो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि जो इन कंपनीज की जो यूज़र बेस है वो 2019 में क्या थी, 90 मिलियन, अब वो करोड़ों पार कर चुकी होगी। वो उसमें से दो चार को जिता भी दे, तब भी वो जीत दोस्तों आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, वो हार है, वो हमारी हार है, वो हमारे करियर्स की हार है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स की हार है, वो हमारे मेहनत से कमाए हुए पैसे की रोज हार है। और ये कंपनीज, ये टेक कंपनीज, ये गैम्बलिंग वेबसाइट्स, ये गैम्बलिंग एप्स भले ही किसी भी पोलाइट नाम से बाजार में आई हो, लेकिन ये करोड़ों कमाएंगी, बिलियन्स ट्रिलियन्स कमाएंगी, और यूथ को खराब करके जाएंगी। कश्मीर के यूथ को मैं, बहसे थे एक सोशियोलॉजी का तालबे इलम, ये कहना चाहता हूँ कि इस सट्टेबाजी से, इस ऑनलाइन गैम्बलिंग से, इस फैंटेसी क्रिकेट से अपने आप को बाज रखिए, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली भी शिकार हो रहे हैं, आप बिहेवियरली भी शिकार हो रहे हैं, आप इकोनॉमिकली भी शिकार हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे आपके अंदर साइकोलॉजिकल कितनी चेंजेस आई होंगी। हॉस्टिलिटी दोस्तों, वो अमल के आपसे कोई कुछ भी कहे कि आप उसे उलझ पड़ते हैं, आप में वो जिसे कहते हैं ना, वो रेजिलियंस नहीं रही है, लॉस ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, कि आप अब ऑनलाइन वर्ल्ड में इतने मस्त हैं कि जब भी आपको आपका फोन आपके सामने नहीं होगा तो आप बेचैन हो जाएंगे। आपको रियलिटी का जो टच है, जिसे हम होस्टिलिटी कहते हैं, यू हैव लॉस्ट दैट टच ऑफ रियलिटी। आप क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड को ही अपनी रियलिटी समझ बैठे हैं। मैं इस वीडियो की वसादत से अपने कश्मीर के तमाम जवानों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ये लाइफ में शॉर्टकट्स हैं ना, ये शॉर्टकट्स कम अपनाइए, और इन फैंटेसीज में मत पड़िए, इन ट्रेंड्स में मत पड़िए। अगर आपको पढ़ना ही है तो अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स के पीछे पड़िए, और बला मारिए ऐसे फैंटेसी एप्स को। थैंक यू।